ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतर्पंगर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मा मनभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अभी हम लोग भजन सुन रहे थे, गीत सुन रहे थे। वृंदावन रम्य स्थान और आगे दिव्य चिंता मणि था। एक माता जी आज प्रश्न कर रही थी कि वृंदावन को चिंतामणि धाम कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? कितना अर्थ है जानना चाहती है माता जी तो हमें नहीं पता है। आप ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं तो चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रभि पालयन्ति। भगवान सुरभि पालयन्ति
गायों का पालन करते हैं उनको मैं नमस्कार कर रहा, उनका मैं भजन कर रहा। वो कहाँ गाय चराते हैं? वृंदावन में। वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं चिंतामणि प्रकर सद्मसु। वृंदावन में जो सद्म है, भवन है, वह चिंतामणि प्रकर मतलब समूह चिंतामणि से बना हुआ है। वे चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक पत्थर है, लेकिन पत्थर में बहुत अंतर होता है। एक साधारण पत्थर लीजिए और संगमरमर लीजिए, दोनों के दाम में अंतर हो जाता है। दोनों पत्थर ही है, उस पर ग्रेनाइट लीजिए तो शायद और थोड़ा दाम बढ़ जाता है। हीरा भी एक पत्थर ही है, आप उसको खरीदिए तो कितना दाम लगेगा? तो पत्थर संगमरमर नीचे लगा देते हैं। वो हीरा लगाना हो तो बहुत कठिन काम हो जाएगा ना। और हीरा, अब ये जो पत्थर हैं उनका मणि का दर्जा हो जाता है। ओ, मणि का बहुत कीमत होता है। ऐसा लिखा गया है कि मणि मंत्र औषधि देखने में तो छोटा हो सकता है, साइज उसका छोटा हो सकता है, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है। हम लोग तो बहुत मणि को देखे ही नहीं है, हीरा का थोड़ा सा टुकड़ा उसी का कितना कीमत होता है। अब वैदुर्ज मणि है, स्यमंतक मणि है, वैसे ही चिंता मणि है। मनुष्य समाज में यह दुर्लभ है, नहीं प्राप्त होता है, लेकिन गोलोक में वो उसी पत्थर का घर बना हुआ है। ओ, एक तो जिस चीज़ की बहुलता रहती है तो उसके नाम पर भी उसका नाम रख दिया जाता है। झारखंड में एक सिटी है तो उसके आसपास बहुत कोयला का खदान है, कोयला को तो कोल सिटी कहते हैं, ऐसा सुने हैं ना, कोल सिटी कह देते हैं। एक शहर है जो खास रंग के बिल्डिंग है, अधिकांश बिल्डिंग उसी रस में, तो पिंक सिटी कह देते हैं। तब चिंतामणि की बहुलता है तो चिंतामणि धाम कह देते हैं। तो यह एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ किया जा सकता है चिंता चिंतनम, मणि मणिवत प्रकाशक। चिंतामणि का अर्थ है, इसमें दो शब्द है, चिंता और मणि। तो भगवान के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, धाम के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। चिंता का अर्थ है चिंतन। तो जो चिंतन करना है तो यही मणि के समान है। मणि का गुण होता है जो जहाँ रहता है तो प्रकाश देता है, मणि से प्रकाश निकलता है। और कल हम लोग पाठ कर रहे थे प्रेम प्रेमोत केन विचिन्त्यता, उत्कंठा और प्रेम के साथ चिंतन कीजिए। वो चिंतन करने से वह हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जैसे यहाँ मणि रख दीजिए तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश उससे होने लगता है, दिखने लगता है वस्तु। हम एक बार सुने थे भारत के प्रधानमंत्री 1 जनवरी को कहीं पिकनिक के लिए गए तो वहाँ उनके रहने की व्यवस्था की गई और उसमें लाइट के लिए मणि रखा गया था, दीपक या बल्ब ये सब नहीं, मणि से ही प्रकाश हो जाए। तो एक अर्थ किया गया है चिंता चिंतन मणि वत प्रकाशक इति चिंता मणि। वो चिंतन करने से ही, ध्यान करने से ही उसका स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। वृंदावन का चिंतन करेंगे प्रेम और उत्कंठा से तो उसका स्वरूप प्रकाशित होगा। तो इस अर्थ में इसको चिंतामणि कहते हैं। चिंतामणि के साथ एक विशेष बात जुड़ा हुआ है कि जो व्यक्ति इच्छा करता है
और उस मणि में शक्ति है कि उसको पूरा कर देता है। जो वांछित फल को प्रदान करने वाला है तो उसको चिंतामणि कहते हैं। तो इस अर्थ में भी वृंदावन को चिंतामणि धाम कहते हैं। आशय यह है कि जो आपके मनोरथ है, आपके मन में जो भी मनोरथ है, वो सबको पूर्ण करने की क्षमता वृंदावन में है, इसलिए इसको चिंतामणि धाम कहते हैं। ऐसा पद्म पुराण में श्लोक आया है, जहाँ को भक्ति रसामृत सिंधु में उद्धृत किया गया है कि कामिनम त्रिवर्गदा, त्रिवर्गदा कामिनम, जिसको अर्थ धर्म और सुविधा की इच्छा है, भोग की इच्छा है, और उसको प्रदान करता है, और मुमुक्षुणाम च मोक्षदा, और जो भोग नहीं चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो उनको मोक्ष प्रदान करता है। और भक्तिच्छु जो न त्रिवर्ग चाहते हैं न मोक्ष चाहते हैं, भक्ति की इच्छा रखते हैं, और उनको भक्ति प्रदान करता है। कस्तम ना श्रेय मथुराम बुध, वो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो कौन ऐसा है कि मथुरा का आश्रय नहीं लेगा। और चिंतामणि धाम का अर्थ है कि हमारे सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। लेकिन जो भजन सुन रहे हैं, वृंदावन रम्य स्थान, और चिंतामणि धाम नहीं कह रहे हैं, दिव्य चिंतामणि धाम। देखिए जो लौकिक चिंतामणि है और इच्छा के अनुसार वस्तु दे देता है, लेकिन भगवान का जो धाम है तो भगवान से अभिन्न है। और कोई जरूरी नहीं है कि हमारे इच्छा का ही अनुसरण करेगा। माता को अपने पुत्र से बहुत स्नेह है और अपने पुत्र के रुचि को देख करके खेलने का क्या क्या सामान अपने से ले करके दे देती, कपड़ा देती है, क्या क्या देती है। अब उसको खाने की इच्छा हुई तो दूध का क्या क्या सामान बना करके दे देती है। लेकिन अब वही लड़का वो कभी कभी चाहता है कि आगे ही उठाकर हमने मुंह में डाल लें, या कोई बहुत विषैला चीज़ है, हानिकारक चीज़ है, तो उसको भी चाहता है कि खा जाए, तो क्या माँ उसको अलाउ करेगी। तो दिव्य चिंतामणि धाम है, व्यक्ति के कल्याण का भी ध्यान रखता है। इस अर्थ में भी दिव्य कहा जा सकता है। हम एग्जैक्ट तो अर्थ पढ़े नहीं हैं, लेकिन ये भगवान की विशेषता है कि जिसके मन में कोई मनोरथ है तो उसको देते हैं, अप्येव मर्ज परिपाती। लेकिन भगवान भोग तो दे देते हैं लेकिन उसकी रक्षा भी करते हैं। तो भगवान और देवता में यही अंतर है। देवता भी भोग दे सकते हैं, कुछ उनकी शक्ति है, वैसे जो शक्ति भगवान की है वो शक्ति उनके पास नहीं है, लेकिन भोग दे दिए रक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन भगवान की विशेषता है कि भोग प्रदान करते हैं तो गाय के समान अपने बछड़े के रक्षा का भी ध्यान रखते हैं। गाय अपने बछड़े को दूध भी पिलाती है और उसके रक्षा का भी ध्यान रखती है। कितनी सीधी सीधी गायें हैं, एकदम सीधी हैं, उनको जहाँ सहलाइए कोई प्रतिकार नहीं करती है। और वैसे गायों को देखा गया है कि जब नया नया बच्चा देती है, कोई नज़दीक गया तो मारने के लिए दौड़ जाती है। तो वास्तव में उसमें हिंसा की प्रवृत्ति नहीं है, अपने बच्चे के स्नेह के उद्रेक में वो प्रवृत्ति आ जाती है। उसको भय है कि हमारे बच्चे का कोई क्षति न कर दे, और इसलिए वो लपक जाती है, सिंह चला देती है। तो जैसे गाय अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है और उसके रक्षा का भी ध्यान रखती है, और उसी तरह वृंदावन वो इच्छित वस्तु को प्रदान करता है, लेकिन साधक के भक्ति भी सुरक्षित रहे इसका भी ध्यान रखता है।
इसमें क्षमता है, कोई भी वस्तु चाहिए ये प्रदान करेगा, इस अर्थ में भी चिंतामणि कहते, चिंतामणि धाम, या और भी कुछ अर्थ हो सकता है, तो हमें बहुत जानकारी नहीं है। और एक दूसरा प्रश्न था कि वृंदावन का परिक्रमा क्यों करते हैं, अब ये प्रश्न किया गया है। अब मैं एक काउंटर प्रश्न कर दूं, कोई माँ है अपने बच्चे को गोद में क्यों उठाती है, गोद में उठाने का कोई फिलॉसफी है, उसका स्नेह है, गोद में उठा लेती है। दूसरे लोग भी अब बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, ये स्नेह है। तो एक तो उत्तर है कि वृंदावन के प्रेम के चलते व्यक्ति वृंदावन का परिक्रमा करता है। क्या दूसरी बात है कि भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा लिखा गया है कि भक्ति के अनेक अंग हैं, लेकिन मुख्य रूप से 64 अंग का विवरण दिया गया है कि बहुत प्रैक्टिकल है, इसको किया जा सकता है, ये साधन करने से भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन साधनों में एक साधन है परिक्रमा करना, ये परिक्रमा करना एक साधना है, जैसे कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, वैसे ही परिक्रमा करना एक साधना है। और भक्ति के विषय में कुछ कुछ गौड़ फल दिया गया है, वो केवल आकर्षित करने के लिए, मुख्य फल तो वो स्नेह बस आदमी करता है, भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए इसलिए करता है। भक्ति के विषय में कोई प्रश्न करे कि क्यों करना चाहिए, तो उससे प्रश्न कीजिए कि सांस क्यों लेना चाहिए, पर सांस नहीं लोगे तो मुर्दा माने जाओगे ना। वो उसी तरह जो भक्ति नहीं कर रहा है तो भले ही सांस ले रहा वो मरा हुआ ही व्यक्ति। जैसे जीवन में सांस लेना आवश्यक है, वैसे ही भक्ति करना आवश्यक है। और भक्ति का एक अंग है परिक्रमा करना, लेकिन अब भक्ति के कुछ गौड़ फल भी दिए जाते हैं। तो ऐसा लिखा गया है कि विष्णु प्रदक्षिणी कुर्वन यतस्ता वर्तते पुनः तदेवा वर्तनम तस्य पुनर्नावर्तते भवे। कोई विष्णु मंदिर है, भगवान उनमें स्थापित हैं और उनके परिक्रमा करके और वहीं आ गया। परिक्रमा का यही मतलब है जहाँ से प्रारंभ करते हैं वहाँ आ जाते हैं, तो घूमते हैं, आवर्तन होता है, कई एक बार करते हैं। तो जो परिक्रमा कर रहा है तो बस उसका यही घूमना अंतिम है, अब वो अब जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं घूमेगा। अभी तो हम लोग किस किस योनि में घूम रहे हैं, और परिक्रमा भगवान की कर रहा है तो जो गर्भ में योनि में घूमने का कार्य है वह समाप्त हो जाता है, जो बाध्यता है वो समाप्त हो जाती है। और चतुर्वारम भ्रमिभिस्तु जगत सर्वम चराचरम, चार बार कोई भगवान की प्रदक्षिणा कर लिया तो जगत सर्वम चराचरम क्रांतम भवति। और विप्राग्र तीर्था गमनाधिकम, वो चार बार परिक्रमा कर लिया तो सारा जगत का वो भ्रमण कर लिया, सब तीर्थ का भ्रमण कर लिया। और एक सेंस में तीर्थ भ्रमण से भी अधिक महत्व परिक्रमा का, तो जो परिक्रमा भक्ति दी गई है और उसका आचरण किया जाता है। रोज मंदिर में प्रभुपाद जी के साथ परिक्रमा करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोस्वामी लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते थे,
और वही लिखते हैं कि भक्तों को वृंदावन का भी परिक्रमा करना चाहिए। वन शुड आल्सो सरकुम्बामुलेट होल वृंदावन एरिया। देखिए सामान्य रूप से ये परिक्रमा ये आदर का सूचक है, जैसे हम हाथ उठा देते हैं या सिर झुका लिए किसी का आदर करते हैं, हाथ उठा दिए तो आदर हुआ, तो उसी प्रकार किसी की परिक्रमा करना उसको आदर प्रदान करना। और गिरिराज जी की परिक्रमा तो वही मुख्य पूजा है, भगवान गिरिराज जी का पूजा कराए, इंद्र का पूजा छुड़ा करके ब्रजवासियों से गिरिराज जी की पूजा कराए। तो वे पूजा में वो क्या कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गिरिराज जी को भोग कराए और गिरिराज जी का परिक्रमा कराए। तो गिरिराज के पूजा है उनका परिक्रमा करना और ये आदर करना है। मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो कृष्ण बलराम का सत्कार कर रहे हैं, राधा श्याम सुंदर का सत्कार कर रहे हैं, और वृंदावन का परिक्रमा कर लिए तो कृष्ण बलराम, राधा रमण, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, 5000 टेम्पल है ना, 5000 से अधिक, सबका सत्कार कर लिए, सबका सत्कार हो गया, सबका सम्मान हो गया। और महानुभावों का ऐसा विचार है, कई एक संतों का, ये जब हमसे कोई भक्ति में अपराध हो जाता है तो अपराध का फल होता है कि अब चित्त विक्षिप्त होने लगता है, भजन में मन नहीं लगता है। तो अपराध मार्जन के कई एक पद्धति है और उसमें एक पद्धति है परिक्रमा करना। ऐसा भक्तों का संतों का अनुभव है कि भजन में विक्षेप आ रहा है तो ब्रजमंडल परिक्रमा कर लेते हैं, गिरिराज की परिक्रमा करते हैं या वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, खास करके ब्रजमंडल परिक्रमा करने से तो मन फिर भक्ति में रमने लगता है, तो अपराध मार्जन होता है। और इसका मूल ग्रहण करते हैं श्रीमद् भागवतम से, ब्रह्मा जी भगवान का अपराध किए, सखाओं को अलग कर दिए, अब स्तुति किए फिर भी भगवान अब कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तब वे जा करके परिक्रमा किए और परिक्रमा करने से उनका अपराध मार्जन हुआ। तो कई एक कारण है और सबसे बड़ी बात है कि सब चीज है फल के लिए ही नहीं करते हैं। परिक्रमा करने से एक रिलेशन डेवलप होता है। अभी मैं एक दिन परिक्रमा कर रहा था तो एक भक्त है किसी को बतला रहा था परिक्रमा करना चाहिए, इससे संबंध जुटता है, वृंदावन से आत्मीयता बढ़ती है, बहुत अच्छी बात लगी। बच्चे को गोद में उठाते हैं तो संबंध पुष्ट होता है। तो परिक्रमा के कई एक फिलॉसफी है और प्रभुपाद जी लिखे हैं कि परिक्रमा करना चाहिए, लेकिन अब परिक्रमा करके दो तीन रेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने शरीर की क्षमता भी देखनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा सहज है, यहाँ 4 बार परिक्रमा कर लेना चाहिए। अब तो प्रश्न था, बाद में याद हो सकता है कि नहीं आता, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया। अब हम लोग अपने आज के विषय पर चलेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं पहले ही कह देना चाहूँगा कि देखिए ये जो हम लोगों का सत्र है ये मूलतः ब्रह्मचारी क्लास से उत्पन्न हुआ है। यहाँ लॉकडाउन के क्रम में भक्ति शास्त्री चल रहा था और उसी में धाम सेवन की बात आ गई
उसी समय भक्तों ने खास करके धर्मात्मा प्रभु प्रस्ताव रखे कि महाराज हम अलग से हम लोग नहीं इसका क्लास कर सकते और विस्तार से। तो मैं कह दिया कि हाँ संभव है, हो जाएगा। तो भाई मूल रूप से ये जो सेशन चल रहा है इसका अंकुरण ब्रह्मचारी क्लास से हुआ है। तो आज आप लोग अपना प्रिविलेज मानिएगा कि है ब्रह्मचारी क्लास, हम लोग भी बैठ गए हैं। ऐसा मैं देखा कि ब्रह्मचारी क्लास में भी कुछ लोग बैठ जाते हैं। जनार्दन महाराज पहले ब्रह्मचारी क्लास से कराते थे, तो मई जून में मैं देखा कि इसी हॉल में अब ब्रह्मचारी क्लास का टाइम है, प्राय 1:30 बजे से होता था। एकदम गर्मी है, कुछ माता जी लोग आ कर के इसी में अब रुकी हुई हैं। अब वो गर्मी में वो कहाँ जाए, तो भक्त लोग कहते ठीक है उधर कोने में बैठ जाओ, कोने में बैठ जाओ। तो ब्रह्मचारी क्लास में कुछ कुछ माता जी लोग भी बैठ जाती थे। तो आज आप लोग यही समझिएगा कि हम लोग ब्रह्मचारी क्लास में बैठे हैं। हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः सर्व आसानां मूलं उद्धृत्य सम्यक् दैवात् लब्धेन एव निर्वाह्य देहं श्रीमद्वृन्दाकानने जोसम आसस्व। त्यक्त्वा संगम दूरत स्त्री पिशाच्याः सर्वासानां मूलमुद्धृत्य सम्यक् दैवा लब्धे नैव निर्वाह्य देहम् श्रीमद् वृंदा कानने जो समास्व। इस श्लोक में कह रहे हैं कि श्रीमद् वृंदा कानने जो सम आस्व से वृंदावन में आस्वादन करते हुए निवास करो। श्री वृंदावन में रसास्वादन करते हुए निवास करो, यह तो मुख्य क्रिया है, आस्व निवास करो। लेकिन इसके साथ कुछ कुछ गौड़ क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है, उसको बतला रहे हैं। तो पहली बात कह रहे हैं कि संगम त्यक्त्वा दूरतः स्त्री पिशाच्या, स्त्री रूप पिशाचनी का दूर से ही आसक्ति छोड़कर, और सर्वासाना मूलम उद्धृत सम्यक, और सभी प्रकार के आशा के जड़ को खूब अच्छा से उखाड़ करके। देखिए क्या सब दे रहे हैं कि सभी प्रकार के आशा के जड़ को खूब अच्छा से उखाड़ करके, और दैवत लब्धे नैव निर्वाह्य देहम, और दैव के विधान से जो कुछ प्राप्त हो गया उसी से जीवन निर्वाह करके शरीर का परिवहन, शरीर की रक्षा करके
और खूब रस का अनुभूति करते हुए वृंदावन का आस्वादन करो। तो कितना कार्य करने को कह रहे हैं, पहले तो वृंदावन का आस्वादन करो और देह का निर्वाह बस उतने साधन से कर लो जो दैव के विधान से प्राप्त हो जाए। और कोई भी मन में आशा है, अपेक्षा है, कामना है, तो उसको छोड़ने की बात नहीं करें, उसके मूल को खूब अच्छा से उखाड़ते को। और स्त्री पिशाची का, स्त्री पिशाची की आसक्ति दूर से ही त्याग दो। अब एक बहुत भारी प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि भाई स्त्री को पिशाची क्यों कह रहे हैं। देखिए, स्त्री को गाली देने के लिए पिशाची नहीं कह रहे हैं। ये पिशाची क्यों कह रहे हैं हम समग्र रूप से तो कारण नहीं बतला सकते, लेकिन एक चीज पर विचार कीजिए कि लोक में प्रसिद्धि है कि जब किसी पिशाच का आवेश हो जाता है तो वह व्यक्ति कुछ भोजन करता है लेकिन उसका शरीर छीण देखता है। तो ऐसे गांवों में हम सुने कि लोग कहते हैं कि अरे इसके शरीर में लग नहीं रहा है, वो सब पिशाच सूख जा रहा है। अब शहर के लोग जानते हैं कि नहीं, गांवों में ये बात प्रचलित है, अरे इस पर जो पिशाच है ना वो सब खा जा रहा है, इसके शरीर में कहाँ लग रहा है। तो भोजन कर रहा है लेकिन शरीर पुष्ट नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है कि पिशाच है। जो भोजन का रस है उसको पिशाच बाधित कर रहा है, वो पुष्ट नहीं हो रहा है। तो यही सिद्धांत भक्ति के क्षेत्र में लागू होता है। भक्ति का अर्थ क्या है, ये भावना को विकसित करते हैं, भावना को गाढ़ करते हैं। लेकिन अब किसी स्त्री में आसक्ति हो गई तो भावना का धारा उधर बहने लगता है, तो कृष्ण के तरफ पूर्ण रूप से नहीं आएगा। और इस अर्थ में पिशाची कह रहे हैं। और स्त्री के विषय में कह रहे हैं, आपके हाथ में पन्ना है, देख सकते हैं, प्रज्वालयति समस्तम देहम कामाग्निना प्रमोहयति दृष्टैव च नवतरुणी कुतस्तरी स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। कह रहे हैं कि नवतरुणी जो युवती स्त्री है तो दृष्टया एव, दृष्टि से ही, केवल दृष्टि से ही प्रज्वालति समस्त देहम कामाग्निना, काम के अग्नि से पूरे शरीर को प्रज्वलित कर देती है और मोहयति और मोहित कर देती है। तो कुतस्तर ही स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा, अब शरीर काम से व्याकुल है और चित्त बिल्कुल भ्रमित हो गया, मोहित हो गया, तो कैसे इस स्थिति में हम अपने स्वार्थ की, अपने लक्ष्य की आशा कर सकते हैं, हमारा चित्त तो डाइवर्ट हो गया। और इसलिए कह रहे हैं कि स्त्री के संग से दूर हो करके, अभी संग का क्या अर्थ है, दो अर्थ है, आसक्ति ने अटैचमेंट और सान्निध्य एसोसिएशन, संग दो अर्थ में ले सकते हैं, अटैचमेंट के अर्थ में और एसोसिएशन के अर्थ में। तो अच्छा होगा कि दोनों का त्याग कर दें, कम से कम जो विरक्त हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, तो उनको तो दोनों का त्याग करना चाहिए। जो गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं, तो एसोसिएशन का त्याग न भी करें तो अटैचमेंट का तो त्याग करना ही होगा, अटैचमेंट का वह अवसर नहीं है। तो कह रहे हैं कि तरुणी तनु बिड भांडम, एक
पेपर में गलत छपा है, विभांडम नहीं है, बिट भांडम। बिट मतलब मौ, तरुणी तनु बिट भांडम, हृदय विदुषामपि मादयति। ये जो तरुणी का ज्योति का शरीर है, तो शरीर है क्या? यह मौल का मटका है। इस शरीर में सब मौल गंदा चीज भरा हुआ है, कवर केवल अच्छा कर दिया गया। तो बिट भांडम यह है मौल का मटका, लेकिन विदुषामपि मादयति। लेकिन इसका प्रभाव होता है कि विद्वान व्यक्ति को भी उन्मत्त कर देती है। तो अच्छा होगा कि तत्श्रवण दर्शनाद्यय रहित, कैसे वो मादकता प्रदान कर देती है, उसको मतवाला कर देती है। तो तत्श्रवण दर्शनाद्यय, उसके विषय में सुनने से और उसके दर्शन से, उसको देखने से, तो इसी से सलाह दे रहे हैं कि तद रहित, मतलब स्त्री के श्रवण, स्त्री के विषय में सुनने से और उसको देखने से रहित हो करके वृंदावनम ध्यायस्व, वृंदावन का ध्यान करो। यदि स्त्री में आसक्ति है और वृंदावन का ध्यान नहीं होगा, ध्यान के लिए बैठेंगे भी, जप के लिए बैठेंगे भी, तो ध्यान उधर चला जाएगा। और इसलिए सेफ यही है कि संगम दूरतः त्यक्त्वा, वो दूर से ही आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, संग का त्याग कर देना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा सा संग कर लेते हैं, इसके बाद त्याग कर देंगे। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। इस विषय में ब्रजेंद्र कुमार एक कथा सुनाते हैं। ब्रजेंद्र कुमार एक हम लोगों के ग्रुप के भक्त हैं, और दिन भर मंदिर में रहते थे, लेकिन अभी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो नहीं आ रहे हैं। पुराने लोग जानते हैं सब लोग। तो एक कथा सुना रहे थे कि एक दिन गुरु जी गए थे नदी में स्नान करने के लिए, साथ में एक शिष्य भी थे, और बरसात का दिन था, नदी में बाढ़ था, और गुरु जी स्नान कर रहे थे। तब तक धारा में कोई काला काला बाल जैसा दिखाई दे रहा था, वो नदी के बाढ़ में कुछ बह रहा था, वो कभी कभी काला काला बाल जैसा दिखाई दे रहा था। गुरु जी तो भाई कमज़ोर थे, और गुरु जी को लगा कि कोई स्त्री बह रही है, काला काला बाल दिख रहा है। वो अपने शिष्य को कहे कि देखो, उसकी सहायता करो, उसको निकाल दो संभव हो। शिष्य तो युवक था, पानी में कूदा, तैरते हुए गया। तो अब गुरु जी देख रहे हैं क्यों काला काला जो बाल जैसा बह रहा है, तो हमारा शिष्य भी उसी के साथ जाने लगा। अब पुकारने लगे कि अरे तुम आ जाओ, उसको स्त्री को लेकर के तुम आ जाओ। तो शिष्य कहता है वहाँ से कि गुरु जी स्त्री नहीं है, यह तो भालू है। अब गुरु जी कहे तो भालू है तो छोड़ करके आ जाओ, अब क्यों उसके साथ क्यों जा रहे हो? तो शिष्य कहता है गुरु जी हम तो छोड़ दिए हैं, यह नहीं छोड़ रही है, हम तो छोड़ ही दिए हैं लेकिन अब यह नहीं छोड़ रही है। तो देखिए ये भालू की घटना है भाई, ठीक यही स्त्री के साथ घटित होता है। आपके मन में होगा क्या, थोड़ा सा संग कर लेंगे, इसके बाद त्याग कर देंगे। एक बार अब उसके चंगुल में फंसे तो वह नहीं छोड़ सकती। अब ऐसा नहीं है कि आपकी स्वतंत्रता है, जैसे शिष्य को भालू ही पकड़ ली तो वैसे अब स्त्री ही पकड़ लेगी, तो आप छोड़ नहीं सकते। और कह रहे हैं कि तत्श्रवण दर्शनाद्य मादयंती, स्त्री की विशेषता है कि वह दृष्टि से ही व्यक्ति को मोहित कर लेती।
दृष्टिया एवं, और दृष्टिया एवं का क्या अर्थ है कि उसको देखे और भोग की स्पृहा मन में उदित हो जाती है, और कहीं वह देख दे तो अब तो अब उसके अधीन होना ही है। देखिए, हमको साहस नहीं हो रहा था इस विषय को बोलने का, हमारा ये स्तर नहीं है, लेकिन अब सीधे श्लोक में ये बात है और विरक्तों के लिए एकदम आवश्यक है। हम इस श्लोक को इसलिए चुने कि वृंदावन महिमामृत पढ़ेंगे तो कई एक बार इस ढंग के श्लोक आते हैं, और इसलिए इसको चुना और हमको बल मिला कि कपिल देव इन सब बातों को सीधे अपनी माँ से कह रहे हैं। तो कपिल देव अपने माँ से ये सब बात कह सकते हैं, तो हम अपने मंदिर के भक्तों से क्यों नहीं कह सकते? कपिल देव जब अपने माँ से कह रहे हैं तो इसी बात से हमें साहस हुआ कि हम भी कह सकते हैं। और दृष्टिया एवं, कपिल देव स्पष्ट इस बात को कहे। देखिए, जो स्त्री है और इसको प्रमदा कहा जाता है, प्रमदा का क्या अर्थ हुआ, मद मतलब क्या होता है, मद कोई जानता है मद का मीनिंग? आए मद शराब, मद मतलब दारू शराब, तो दारू का क्या गुण है, मद का क्या है, नशा चढ़ जाता है भाई, मद का सेवन करेंगे तो नशा चढ़ जाएगा ना, और वह तो मद है। और स्त्री को प्रमदा, तो प्रमदा जो आकार आ गया तो ये तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए, शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ जोड़ दिया गया, वो तो व्याकरण का विषय है, लेकिन प्रमद यही तो स्त्रीलिंग प्रमदा होगा। और प्रमद ये जो स्त्री है तो यह भी मद है, और वो साधारण मद नहीं, बहुत तगड़ा। भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं कि दृष्टा ये वह मादयंती, ये केवल देखने से नशा चढ़ा देती है, शराब को देखने से नशा नहीं चढ़ेगा। और कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि अरे हिंदू ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में स्त्रियों की बहुत निंदा की गई है। केवल वैदिक ग्रंथ की बात नहीं, निंदा की यहाँ बात नहीं है, स्वभाव उनके वस्तु स्थिति को निरूपण किया गया। और केवल इस ग्रंथ में नहीं है, हम अंग्रेजी के पोयम में पढ़े, किसी ड्रामा में पढ़े, अब तो इस समय ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद बेबेस्टर की लाइन है, वाइन कंज्यूम्ड होल्डर, वे कोई शराब को ग्रहण करता है और उसका प्रभाव आता है, लेकिन वीमेन कंज्यूम्स होल्डर एंड बिहोल्डर, बिहोल्ड मतलब टू गेज, देखना। यह प्रमदा इसका ऐसा बनावट है कि जो संग करेगा उसको पकड़ेगा, स्पर्श करेगा उस पर भी नशा चढ़ेगा, और जो केवल देख लेगा उस पर भी नशा चढ़ेगा। से स्त्री को अबला कहते हैं, अबला का क्या अर्थ हुआ, जिसके पास बल नहीं है, जरूर एक अर्थ हुआ, लेकिन दूसरा अर्थ हुआ कि जिसके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है, अबला का अर्थ हुआ कि उतना बलवान दूसरा नहीं है, उसके जोड़ का बलवान दूसरा नहीं। और श्रीमद् भागवतम में इस अर्थ की व्याख्या की गई है। कपिल देव स्वयं ही अपने माँ से कह रहे हैं कि बलम में पश्य माया या स्त्री मैया, जो स्त्री रूप माया है वो तो हमारी माया का बल देखो। भाई क्या बल है कि जैन दिशा
जो लोग सारे दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, या करोति पदाक्रांता भो ब्रजम्भणे केवलम, भो ब्रजम्भणेन वे केवल अपने भौहें मटका करके उसको अधीन कर लेती, जो सारे दिशाओं को जीत लिए हैं, दिग्विजयी हैं, राजा हैं, और कह रहे हैं कि या करोति पदाक्रांता, उसको अपने पैर से आक्रांत कर देती। किस चीज से? केवल अपने आँख तड़ेर करके, केवल आँख तड़ेर देगी और दिग्विजयी हैं वो भी उसके अधीन हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह इस बात की व्याख्या है। और देखिए, ये सब बात ऐसे लोग बोले हैं और ऐसे लोगों के समक्ष बोले हैं कि अब इस पर थोड़ा भी संशय की जरूरत नहीं है। कपिल देव अपने माँ से कह रहे हैं, और इसी बात को मुचकुंद महाराज भगवान के समक्ष कहे। मुचकुंद महाराज कह रहे हैं कि निर्जित्य दिक्चक्र मभूत विग्रह, ये संसार का वर्णन कर रहे हैं, राजाओं की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि निर्जित्य दिक्चक्र मभूत विग्रह, दिक्चक्र सारे दिशाओं को जीत लिए, और क्या स्थिति हो गई? अभूत विग्रह, अब सब अधीन हो गए, अब उनका प्रतिद्वंद्वी कोई नहीं बचा। या एक अर्थ यह होगा कि इतना उनका प्रभाव है कि अभूत विग्रह, लड़ाई नहीं करना पड़ा, युद्ध नहीं करना पड़ा, उनके प्रताप से, उनके प्रभाव से दूसरे राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर लिए। तो निर्जित्य दिक्चक्र मभूत विग्रहम बरासनस्त सम्राज बंदित, अब तो चक्रवर्ती सम्राट हो गया और श्रेष्ठ आसन पर विराजमान है, अब सम्राज बंदित, पहले जो उसके प्रतिद्वंदी थे तो अब तो अधीनता स्वीकार कर लिए हैं, तो भेंट ला करके अर्पित करते, वंदना करते। तो यह राजा की स्थिति है। लेकिन स एव गृहेषु मैथुन्य सुखेषु जोषिता क्रीड़ा मृगो पुरुष इस नियत, हे भगवान, वैसे राजाओं की स्थिति है कि जब गृहेषु अपने घर में जाते हैं तो उनको एकदम बंदर जैसा नचाया जाता है। और भाई प्रश्न होगा कि जब बंदर जैसा नचाया जाता है तो घर में जाते ही क्यों? तो मैथुन्य सुखेषु, मैथुन का सुख लेने के लिए। और सम्राज बंदी, तो दूसरे राजा लोग आकर के वंदना करते हैं और वही अपने घर में गया मैथुन्य सुखेषु। तो जोषिता पुरुष इस क्रीड़ा मृगो नियते, जोषिता बहुवचन में बोल रहे हैं। वो राजा की प्रवृत्ति होती है अपने पत्नी के अतिरिक्त दासियों पे भी आसक्त रहता है, तो पत्नी तो उसको नचाती है, दासियां भी नचाती हैं। वो कपिल देव कह रहे हैं कि बलम में पश्य माया या स्त्री मैया जैनो दिशा, जो स्त्री रूप माया है मेरी, इसका बल देखो कि सब दिशाओं को जो जीते हैं वो या करोति पदाक्रांत, उनको पद से आक्रांत कर दिए। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि जब वो दिग्विजय करता है तो बहुत दिन तक स्त्री से दूर रहा, दिग्विजय में समय लगता है ना, तो स्त्री उसको डांटती है लौटने पर कि तुम क्यों दिग्विजय के लिए गया था, दिग्विजय तुम कर रहे हो तो इसका यही उद्देश्य है ना कि दूसरे देश के स्त्रियों का भोग करोगे, तो दूसरे स्त्रियों का भोग करने के लिए तुम दिग्विजय करने गया। और वो हाथ जोड़ता है कि ना ना ऐसा नहीं है, उसके पैर पर गिरता है, और पैर पर भले ही वो गिरे उस स्थिति में भी अब वो बल्कि पैर चला देती है तो पदाक्रांत हो गया। वो आँख तड़ेरती है तो पैर पर गिर जाता है, पैर झटक देता है, झटक देती है, वो पदाक्रांत हो जाता है। तो यह स्त्री का शक्ति है।
अबला एक अर्थ में होता है कि उस जिसके समान बलशाली कोई नहीं है। तो कह रहे हैं कि यह शक्ति है, इसलिए संगम त्यक्त्वा दूरतः स्त्री पिशाच्या, स्त्री पिशाची का संग दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। पिशाची इस अर्थ में कि अब उसके आसक्ति हो गया तो हमारा सब चीज सूख जाता है। इस विषय में हम नारद जी के घटना का या भगवान के साथ उनकी वार्ता है उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। थोड़ा समय लगेगा, हम अति संक्षेप करके कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार की घटना है कि नारद जी हिमालय में भ्रमण कर रहे थे। वो तो घूमते रहते हैं, वीणा बजा करके कीर्तन करते रहते हैं, पर एक दिन हिमालय में गए और बहुत सुंदर जगह दिखाई दिया, बहुत समीप सुरसरी सुहावनी, वो सुंदर गुफा था और नज़दीक में ही गंगा जी बह रही थी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव रसी मन अति भावा, वो बहुत ही सुंदर आश्रम था। नारद जी को वह जगह बहुत पसंद पड़ा और निरख शैल श्री विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। अब प्रकृति के दृश्य को देख करके प्रकृति के सृष्टि करने वाले प्रकृति के स्वामी भगवान के चरणों में उनका अनुराग बढ़ गया और सुमिरत हरही साप गति बाधी। अब भगवान की भक्ति करने लगे और नारद जी पर तो साप है कि एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, लेकिन अब इतना उनको सुख मिला, भजन में इतना मन रम गया कि साप भी बाधित हो गया और समझ सहज विमल मन लागी समाधि। उनका मन तो स्वाभाविक ही शुद्ध है, एकदम वे समाधि में स्थित हो गए। अब वे समाधि में स्थित हुए, अब इंद्र को चिंता हुई कि ये घूमने वाला आदमी काहे को समाधि में लग गया, ये हो सकता है कि अब हमारे पद पर कुछ दावा बोल सकता है। तो तुरंत कामदेव को बुलाए और बहुत सम्मान किए और कहे कि भाई देख, एक हमारा काम कर, जाकर को साधु का समाधि भंग कर। और कामदेव आया और उसके जो भी सेना है, अप्सराएं, बसंत, वो सब लेकर के पहुंचा और सब अपना कल छल दिखाया, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी तो एकदम समाधि में स्थित थे, अब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब अपना कौशल दिखाया, बल लगाया, और उसको भय हो गया कि कहीं शिव जी जैसा साप न दे। तो वह जा करके नारद जी के चरणों में गिरा और उनसे क्षमा मांगने लगा। और नारद जी कहे कि ना ना, कोई बात नहीं, अब ठीक है, अब जाइए। और नारद जी तो सहज समाधि में लग गए, भगवान में मन उनका रमा था, लेकिन इंद्र को लग रहा था कि हमारा पद चाहते हैं। यह उदाहरण दिया गया है कि इंद्र की वही स्थिति है जैसे कोई कुत्ता है और सूखा हड्डी लेकर के जा रहा है। वे कुत्ते के स्वभाव में सूखा हड्डी चबाते हैं और रास्ते में कहीं सिंह दिख गया तो हड्डी लेकर के भागे कि कहीं सिंह न छीन ले। अरे सूखे हड्डी को सिंह छीनेगा? और नारद जी तो स्वाभाविक ही भगवान के भक्ति में थे, मन रम गया था, लेकिन इंद्र को लग रहा था कि हमारे पद के लिए समाधि में। वो भेजा, कामदेव का कोई प्रभाव नहीं हुआ और जा करके वह इंद्र को सब रिपोर्ट कर दिया। जो हो, अब नारद जी और समाधि टूटने के बाद वो लोग जा करके क्षमा मांगने लगे तो उनकी वृत्ति बाह्य हुई। तो वहाँ से फिर चले और चले तो शिव जी के पास गए और शिव जी से सब इतिहास प्रस्तुत किए कि कामदेव ऐसे ऐसे प्रभाव डाला लेकिन हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो बिल्कुल विफल हो गया। और शिव जी नारद जी से स्नेह करते हैं, बिल्कुल अपना समझ करके कहे कि देखिए भाई, हमसे तो ये सब घटना बतला दिए,
लेकिन दूसरे से मत कहिएगा, खास करके भगवान से एकदम मत कहिएगा। यदि बात भी चल जाए फिर भी आप दुराव कर लीजिएगा। हम नारद जी को बड़ा अटपटाह लगा, अरे भगवान से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, वे तो सबसे प्रिय हैं। और नारद जी के मन में विचार आने लगा कि अब शिव जी को पसंद नहीं पड़ रहा, ये तो क्रोध कर दिए थे और शिव जी की बात पे माने नहीं, यद्यपि शिव जी बहुत आत्मीयता से कहे थे और शिव जी की बात पे माने नहीं, ब्रह्मा जी के पास गए सब कहे। अब इसके बाद शिव ब्रह्मा से कहने से क्या हुआ, अगर असल प्रेमी तो भगवान है तो भगवान के पास गए, वो भगवान कहे कि बहुत दिन के बाद कृपा किए हैं और तो पहले तो आया करते थे, इस बार बहुत देर से आए हैं, तो अब सब घटना बतलाने लगे कि देर का कारण यह है समाधि में लग गया था। सब घटना बतलाए और भगवान कहे कि हाँ जो भक्ति में है तो उसे कहा कोई क्या बिगाड़ सकता है, अरे जिसके रक्षक भगवान हैं तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। ओ शिव जी नारद जी भी कहे, उनके मन में अभिमान था, लेकिन भगवान कहे कि हाँ सब आपकी दया से ऐसा हुआ, तो चले गए। लेकिन अब भगवान के मन में विचार आया कि ये तो हमारा भक्त है और इसमें अभिमान उदित हो रहा है, ये तो भक्त है तो अभी ये अभिमान का पौधा अभी उग रहा है तभी इसको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, नहीं तो यह तो बड़ा वृक्ष हो जाएगा तो बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। तो भगवान सोचे कि फिर किसी तरह इसको फेंक देना चाहिए, ये जो पौधा अभिमान का उग रहा है इसे को उखाड़ करके फेंक देंगे। और भगवान अपने माया को प्रेरित किया और नारद जी तो चले गए कीर्तन करते हुए, और भगवान अपने माया से सतयोजन 100 योजन का एक बड़ा नगर तैयार कर दिया। वहाँ एक राजा थे, उनके एक लड़की थी, अब उसके विवाह का अवसर आया था, विवाह की तैयारी चल रही थी, स्वयंवर रचा गया था। और नारद जी बाहर से देखे कि बड़ा शहर तो सजाया गया है, तो कौतुक बस ये भी वहाँ चले गए। जब वहाँ गए तो राजा बहुत सम्मान किया, अभी एक साधु आ गया है वो खूब सम्मान किए, स्वाभाविक ही साधुओं में श्रद्धा होती है, और अपने लड़की को लाए जिसका विवाह होना था और कहे कि बाबा इसके थोड़ा लक्षण को बतलाइए, इसके भाग्य को बतलाइए। और नारद जी तो उसके लक्षण को देखे तो विचार कर लिए कि अरे जो इसका पति होगा वो तो अमर होगा, वो कई एक लक्षण देख लिए। लेकिन अब उस लड़की को देखने में अब दृष्टि पड़ते ही उसके प्रति आकर्षण हो गया, अब नारद उसको खूब देखने लगे, अब ध्यान से देखने लगे, और जो जो उसका लक्षण था तो वास्तविक लक्षण को नहीं बतलाए, कुछ कुछ बात कह करके कि हाँ तुम्हारी लड़की बहुत सुलक्षणा है, अब वहाँ से चले गए। नारद जी का मन आकृष्ट हो गया, अब स्वयंवर है, इसके विवाह का अवसर है, और उनके मन में विचार आ गया कि ये हमारे साथ इसका विवाह हो, जब स्वयंवर है तो अब है तो लड़की अच्छे रूप वालों का ही वरण करेगी, तो खुद अब फेर में पड़े गए कि अब कैसे इस लड़की को प्राप्त करें, वो तो भक्त हैं, सोचे कि अब तो समय नहीं है, अब योग तप करके अपना सुंदर रूप तो नहीं कर सकते, भाई सबसे सरल उपाय है कि भगवान से मांग लिया जाए अच्छा रूप। तो ध्यान में लगे भगवान प्रकट हुए और कहे कि हम अपना रूप हमको दे दीजिए। भगवान को बहुत प्रिय है नारद जी और उनके मन में इच्छा हो रही है कि भगवान का रूप प्राप्त कर लें, किस लिए, एक लड़की से विवाह करने के लिए। लेकिन दिव्य चिंतामणि, अब भगवान ऐसे बेवकूफ नहीं है कि भक्त के मन में जो इच्छा आ रही उसी की पूर्ति कर दें,
भगवान तो अब विचार करने लगे कि कैसा इसका, कैसे इसका अब मंगल होगा। तो भगवान कहे कि ठीक है, तो अब तो जब भगवान वचन दे दिए तो नारद जी तो बिल्कुल अस्वस्थ है कि अब हमारा तो रूप बहुत सुंदर है, अब जा करके स्वयंवर में बैठ गए। और भगवान उनको बहुत खराब रूप दिए थे। कुछ लोग कहते हैं कि और तो अपना रूप दे दिए लेकिन मुख बंदर का दे दिए। अब उनका ऐसा खराब रूप था कि बैठ गए और लड़की आ रही थी तो वो तो सोच रहे थे कि अब तो भगवान का रूप है, बस आते आते हमको ही माला डालेगी, लेकिन लड़की उधर जा ही नहीं रही थी तो उनको सोचा कि शायद दृष्टि नहीं पड़ रही है तो अपना जगह बदल दिए। अब जगह बदले तो उधर नहीं जा रही थी। और भगवान एक कौतुकी हैं, भगवान भी उस स्वयंवर में उपस्थित हो गए। और भगवान उपस्थित हुए, भगवान पर दृष्टि पड़ी लड़की की और जा करके जयमाला डाल दी। और शिव जी के जो दो गण थे वो कहे कि अरे इतना सुंदर रूप है एक बार देख तो लीजिए। तो अब वहाँ क्या व्यवस्था थी, पानी में देखे, पानी में देखे तो एकदम बंदर का मुंह रूप रूप है। अब तो बड़ा गुस्सा में हुए कि हमारे साथ ऐसा किया। और फिर वो शिव जी के गण थे कर के, अरे एक बार फिर से देख लीजिए, क्या गुस्सा में कर रहे, एक बार फिर देखिए। तो फिर देखे तो उनका वास्तविक रूप आ गया था। तो रूप तो उनका जो कुरूप भगवान दिए थे, बंदर का मुंह दिए थे, वो तो समाप्त हो गया, लेकिन उनका क्रोध नहीं समाप्त हुआ। वे क्रोध में चले कि कहीं तो मिलेगा ही ना, उसका बहुत मन बढ़ गया, सबके साथ कपट करता। अरे उसका हिस्ट्री सीट देखिए, वे शिव जी को बोरा दिया, ये कितना भेदभाव करता है, छल कपट करता है कि शिव जी को विष पिलवा दिया और अपने धनुष ले लिया और मणि ले लिया, कौस्तुभ मणि लिया, अच्छा अच्छा अपने ले लिया और दूसरे को शराब और क्या क्या दे दिया। ये बहुत कपटी है और इस पर शासन करने वाला तो कोई है नहीं, एकदम मनमाना करता है, जो इच्छा होती है वही कर देता है। लेकिन आज अच्छे जगह चैलेंज दे दिए और बहुत क्रोध में, कहीं तो मिलेगा। तो वे रास्ते में विचार कर रहे थे कि या तो जा करके उसको साप दूंगा और नहीं तो उसके सामने आत्मदाह कर लूँगा, दो में से एक जरूर करूँगा। वे कुछ दूर गए तो भगवान दिख गए और भगवान के साथ लक्ष्मी जी भी थी और वह लड़की भी थी जिसे विवाह किए थे। अब तो नारद जी का क्रोध और बढ़ा और एकदम भगवान को साफ दे ही दिए कि तुम, हम जिसे विवाह करना चाहते थे और उससे विवाह करने के लिए राजकुमार बन करके चला गया, राजा का लड़का बन करके, तो तुमको राजा का लड़का बनना पड़ेगा और हमको बंदर का मुंह दे दिया हरि का, तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तो वो साप दे दिए, इसके बाद भगवान अपनी माया शक्ति को हटा लिए। अब तो नारद जी अपने स्वरूप में आ गए, भगवान से क्षमा याचना करने लगे। एंड भगवान कहे कि ना ना, इसमें कोई बात नहीं है, ये तो हमारी ही इच्छा थी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो अब नारद जी क्षमा मांगे, कहने लगे कि हमारा स्वाप साप वापस हो जाए, लेकिन भगवान कहे कि ना ना, वापस करने की ज़रूरत नहीं है। और अब फिर वो लड़की वहाँ से हट गई, भगवान केवल थे तो नारद जी कीर्तन किए और वापस चले आए। तो यह तो घटना हो गई। अब नारद जी तो विचरण करते ही रहते हैं, एक दिन देखे कि भगवान अकेले में बैठे हैं, सीता का हरण हो चुका था और दूर से ही देखे नारद जी कि भगवान वहाँ बैठे हुए। उनको लगा कि भगवान इस समय निश्चिंत है,
एकदम खाली खाली हैं, तो वे भगवान के पास गए और कहने लगे कि सुनह उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम वरदायक। यानी कि आप तो बहुत उदार हैं और सुंदर वर देने वाले हैं, देहु एक बर मांगहु स्वामी जब तपि जानत अंतर जामी। कि आप वर देते हैं और यद्यपि हमारे हृदय को आप जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन हम आपसे एक वर चाहते हैं। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव जन सन कबहु कि करहु दुराऊ। और भगवान कहने लगे कि आप तो जानते हैं कि हम भक्तों के साथ कभी दुराव नहीं कहते। कवन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी जो मुनिवर न सकहूँ तुम्हें मांगी। कि कौन ऐसा पदार्थ है, कौन वस्तु है कि आप मांगने में संकोच कर रहे हैं, आप संकोच मत कीजिए। जन कछु अतेय नहीं मोरे अस विश्वास तहूँ जनि भोरे। ओ भगवान कहने लगे कि एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, यह विश्वास भूल करके भी मत छोड़िएगा। क्या विश्वास? जन कछु अदेय नहीं मोरे। जो हमारे भक्त हैं तो उनके लिए हमको अदेय कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो हम उनको प्रदान न करें। यह विश्वास भूल करके भी अपने मन से मत हटाइएगा। और जब ऐसे भगवान आश्वासन दिए तो नारद जी उनसे प्रश्न किए कि हम जानना चाहते हैं कि हम विवाह करना चाहते थे तो आप क्यों उसमें अवरोध डाल दिए, हम यही जानना चाहते हैं। तो अब भगवान बहुत विस्तार से उनको समझाने लगे, लेकिन अब हम उतने विस्तार में नहीं जाएंगे, दो चार बात कह रहे हैं। तो भगवान कहने लगे, सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। भगवान कहने लगे कि देखिए, हम आपके हित के लिए आपका विवाह नहीं होने दें। और व्यक्ति स्त्री के संसर्ग में आता है, स्त्री में आसक्ति बढ़ती है तो उसका क्या प्रभाव होता है। वो कह रहे हैं कि सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता। अरे कि हे मुनि, सुन लीजिए, जितने वेद पुराण हैं तो यही कहते हैं कि मोह विपुन कहूँ नारी बसंता। मोह रूप जो जंगल है तो स्त्री उसके लिए बसंत है। जंगल और बसंत में क्या संबंध है? जब बसंत ऋतु आ जाता है तो जंगल खूब प्रफुल्लित हो जाता है, वो हरा भरा हो जाता है, उसमें अभिवृद्धि हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जो मोह रूप जंगल है तो उसके लिए नारी बसंत है। जप तप नेम जलाशय झारी। कि जप तप या और भी जो नियम हैं तो छोटे छोटे जलाशय जैसा है। और हो ग्रीष्म सो सही सब नारी। न ये जलाशय हैं, न जप तप व्रत, तो नारी ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु और जलाशय में क्या संबंध है? वो सूख जाता है। तो मोह के लिए तो बसंत है, लेकिन जप तप ये जो नियम है और उसके लिए तो ग्रीष्म ऋतु। और ऐसे विस्तार से नारद जी को समझाए तो नारद जी बात समझ गए, बहुत प्रसन्न हुए। तो हम केवल नारद जी की घटना इसलिए कहना चाहते हैं कि एक बात तो यह है कि भगवान भक्तों का हित करते हैं, और स्त्री में आसक्ति का प्रभाव बतला रहे, कि सब नियम छूटने लगता है। तो यही कारण है कि स्त्री को पिशाची कहा जा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि संगम त्यक्त्वा दूरतः स्त्री पिशाच्या। जो स्त्री रूप पिशाची है तो उसका संग दूर से ही त्याग करके और आशा का मूल छेदन करके और दैव के विधान से जो प्राप्त हो रहा है उसी से शरीर का निर्वाह करते हुए वृंदावन का आस्वादन करना चाहिए।
मूल का छेदन होना चाहिए। आशय यह है कि वृंदावन में रह रहे हैं तो किसी की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, केवल कृष्ण बलराम के भरोसे रहना चाहिए। आशा रखने से डिविएशन होता है, मन में अशांति आती है, और इसीलिए किसी की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, कोई कामना नहीं रखनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि वैरागी है या जेवा करे परापेक्षा, और विरक्त है और दूसरे की सहायता की अपेक्षा कर रहा है तो कार्य सिद्धि न है, कृष्ण करे न उपेक्षा, और उसको सिद्धि नहीं मिलती, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेगा। कारण है कि कृष्ण उसकी उपेक्षा करते हैं। देखिए कृष्ण का स्वभाव है कि आप उन पर आश्रित हैं, पूरा पूरा आश्रित हैं, तो आपका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे कोई शिशु है, छोटा बच्चा है, तो पूरा पूरा माँ पर आश्रित है, तो माँ भी पूरा पूरा उसका ध्यान रखती है। यही स्वभाव भगवान का, तो पूरा पूरा भगवान के भरोसे रहना चाहिए। ये आशा करने से मन में विकलता होती है। श्रीमद् भागवतम में भी अवधूत यही निर्णय दिए हैं कि आशा ही परमम दुःखम नैराश्यम परमम सुखम। ये आशा करने से मन में विकलता आती है, अशांति का अनुभव होता है। इसी से ग्रंथकार सलाह दे रहे हैं कि आशा के मूल का ही छेदन कर देना चाहिए। और दैवाद लब्धेन निर्वाह देहम, दैव के विधान से अपने प्रारब्ध से जो संसाधन मिल रहा और उसी से शरीर का निर्वाह करके वृंदावन में वास करना चाहिए। तो यह संदेश दिया जा रहा है, यह निर्देशन है कि कैसे वृंदावन में वास करें। देखिए कोई कोई चीज कहा जाता है तो एक दृष्टि विशेष से, खास करके स्त्री को पिशाची कहा जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि स्त्री की निंदा की जा रही, जो उसका गुण है उसको कहा जा रहा है। अब भक्ति के क्षेत्र में तो स्त्रियां ही प्रमाण हैं, भक्ति कैसा होना चाहिए तो स्टैंडर्ड स्त्रियां। नारद जी भक्ति के विषय में कई एक सूत्र दिए तो स्टैंडर्ड गोपियों को माने, यथा ब्रज गोपिका न। और जहाँ तक भक्ति में इंस्पिरेशन लेने की बात है तो स्त्रियां बहुत भारी इंस्पिरेशन की स्रोत हैं, जो उनका समर्पण है और सेवा का भाव है यह भक्ति के लिए बहुत प्रेरणादायक है। भक्ति में ऐसा ही व्यक्तित्व चाहिए, इसी से व्यक्ति विकास करता है। और स्त्रियों को गुरु भी बनाया गया है, उनसे बहुत शिक्षा लेते हैं, उसके समर्पण भाव से सेवा भाव से भक्ति पुष्ट होती है। हम अपनी बात कह रहे हैं, मैं केशव कुंज में रहता था, अब संन्यास का प्रोसेस करना हुआ तो महाराज श्री कहे कि तुम जा कर के आश्रम में रहो। अब महाराज ऐसा कहे तो हमको बड़ा खराब लग रहा था, हमको वहीं रहना अच्छा लग रहा था। अब एक तरह से एक दो दिन के बाद डांटे, तुम सुविधा में आ सकते हो, मैं कहा ना कि जा कर के वहाँ रहो। अब हमें तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मन में स्त्रियों का ही विचार आया कि कोई लड़की है उसका पिता कहाँ ब्याह कर देता है, अरे यहाँ उसका जन्म हुआ है, कितने दूर गांव में या शहर में विवाह कर देता है, वहाँ जा कर के वो रहती है, हमको तो रोड ही हिला रहे हैं ना। तो हम तो स्त्रियों का ही स्मरण करके अब अपने को संतुलित कर लिए। तो हम यह कह रहे हैं कि कुछ कुछ बात है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और इसी से एक श्लोक में एक सलाह दे रहे हैं, इस श्लोक को आप लोग थोड़ा पीछे से बोलिए, यद्यपि समय कम है, 573 आप साथ में बोलिए।
यो व्याघ्रेरेव जो सीता विषमेव स्वाद अन्नमर्थम महानर्थ प्रायम साधु लोकमिलनम सर्वार्थ विभ्रंसवत् किंचिन्मात्र परे ग्रहं ग्रहमिव स्वात्मेन्द्रियं शत्रुवत् मन्येत प्रणयी हरौ सहि वसेत् साध्वात्र वृंदावने। समय बहुत है, टिप की बात सुनते हैं, मेडिकल टिप और क्या क्या टिप। तो यहाँ वृंदावन में कैसे अच्छा से रहेंगे और इसके लिए कुछ है टिप दे रहे हैं। तो क्या क्या है, यो व्याघ्रीर इव जो सीता, जो स्त्री को बाघिन के समान देख रहा है, और विषम इव स्वादु अन्न, और जो स्वादिष्ट अन्न है तो उसको विष के समान समझ रहा है, और अर्थम महान अनर्थ प्राय, और पैसा को सबसे बड़ा अनर्थ रूप देख रहा है, और असाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंसवत, और जो असाधु जन है तो उनके साथ जो मिलने की बात है तो ऐसा ही मानता है कि ये तो सर्वार्थ का नाश है, और किंचित मात्र परिग्रहम ग्रहमिव, और थोड़ा भी कोई परिग्रह है तो उसको बड़ा ग्रह मानता है, ग्रह से स्थिति बिगड़ने लगती, तो परिग्रह को जो ग्रह मान रहा है, और आत्मेन्द्रियम शत्रुवत, और जो अपने इंद्रियों को ही सबसे बड़ा शत्रु मान रहा है, और भगवान का प्रेमी है तो वही व्यक्ति वृंदावन में खूब अच्छा से निवास करेगा। तो अच्छा से वृंदावन में निवास करने के लिए ये कई एक आइटम है। अब तो मैं एक बार बोल दिया, आप लोग कैच नहीं किए होंगे, एक समय नहीं है, फिर से पढ़ लीजिएगा, संख्या दिया गया है, और एक बार फिर से इस श्लोक को बोल दीजिए। यो व्याघ्रेरेव जो सीता विषमिव स्वादन्नमर्थम महानर्थ प्रायम साधु लोकमिलनम सर्वार्थ विभ्रंसवत् किंचिन् मात्र परे ग्रहं ग्रहमिव स्वात्मेन्द्रियं शत्रुवत् मन्येत प्रणयो हरिः सहि वसेत् साध्वात्र वृंदावने। कल इस सत्र का अंतिम दिन होगा, और आशा है कि कल सबसे अधिक सरस कथा होगी, और कल जरूर आप लोग आइए, और इसके बाद आप लोगों की रुचि होगी तो बाद में भी कभी ऐसे सत्र का आयोजन किया जा सकता है। हरे कृष्ण।